मटर और गोभी की स्वादिष्ट सब्जी जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं मटर और फूल गोभी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी सब्जी। ये सब्जी जो है, इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो एक बार आप इसे बना करके ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे गोभी ले लिया है। तो ये फूल गोभी को जो है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस तरह से काट लेते हैं। तो जैसे अगर ये बड़ा फूल है तो हम इसे छोटे टुकड़ों में काट ले रहे हैं। छोटे छोटे फूल हो तो उसको भी छोटे तरह से इस तरह से हम बिल्कुल छोटे टुकड़ों में ही काट रहे हैं, ताकि ये बहुत ही जल्दी से बन जाए और इस तरह से सब्जी का जो स्वाद है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये इतना छोटा सा है, बहुत ज़्यादा मोटा शेप हमने इसमें नहीं रखा है। ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अक्सर गोभी में कीड़े भी लगे होते हैं, तो इसे साफ़ करने के लिए हम इसे ब्लांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी में गोभी को 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। इसे सारी जो भी गंदगी है, कीड़े हैं, वो सब इसमें से हट जाते हैं और इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, गोभी बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ एक पैन में हमने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है, हम इसमें गोभी डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। दाल चावल के साथ इसे साइड डिश में भी खाया जा सकता है, रोटी पराठे या पूड़ी के साथ भी खाया जा सकता है, टिफ़िन में भी ले के जा सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि हम बाद में भी इसमें नमक डालने वाले हैं। तो थोड़ा सा नमक हमने इसमें डाल लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे कलर भी काफ़ी अच्छा आता है, हमने स्टार्टिंग में ही डाल लिया है, तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा सा रंग आता है इसमें। और इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके पकने देते हैं। बीच बीच में हम ढक्कन हटाएंगे और इसे फिर से चला लेंगे और फिर से ढक करके पकने देते हैं। तो इस तरह से हमने इसे करीब 70-80% तक पका लिया है। तो गोभी को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मटर को पकने में बहुत कम टाइम लगता है। तो अब हम इसमें मटर डाल लेते हैं। मटर जल्दी पक जाता है, इसलिए हमने पहले मटर को यूज़ नहीं किया था। आधा कप हमने इसमें मटर डाल दिया है। मिक्स कर लेते हैं इन सबको, और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो फिर से इसे ढक देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। तो इसका जो स्टीम होगा, उसी से ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम फिर से इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमारे गोभी और मटर जो है, दोनों के दोनों अच्छी तरह से पक चुके हैं ये। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है, और अब इसी पैन में हम फिर से ऑयल को डाल के गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, करीब 2 चम्मच के जैसा ऑयल हमने इसमें डाल लिया है। और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तो इसमें डाल लेते हैं आधा छोटा चम्मच राई और आधा छोटा चम्मच जीरा। आप चाहें तो इसमें हींग का भी तड़का लगा सकते हैं, हींग डालने से भी काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। और चाहे तो आप कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आपने देखा कि ये अच्छी तरह से चटकने लगा है, तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1 कटा हुआ प्याज और 1 कटी हुई हरी मिर्च। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन करके हमें नहीं भूनना है, प्याज को बस हल्का सा हम भून लेते हैं, जैसे कि 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। तो ये हमारे प्याज जो है, वो भी पक चुके हैं। तो फ्लेम को अब लो पे करेंगे और इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। लो फ्लेम पे मसाले डालने से मसाले जो है, वो जलते नहीं हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट जो है, काफ़ी अच्छा आता है।
तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे करीब आधे से 1 मिनट के लिए हम इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। इससे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है और मसाले जो है ना वो बिल्कुल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो के बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो ये बिल्कुल मसाले जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ होने लगा है, यानी कि ये मसाले जो है हमारे पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे, पर हमने पहले भी नमक डाला हुआ था तो उसी हिसाब से हम नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और अब इसे हम चला लेते हैं। नमक डालने से जो टमाटर है ना वो बहुत ही जल्दी गलने लगेंगे और जल्दी से ये भून करके तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें जो फ्राई करके हमने गोभी और मटर रखा था ना उसे हम इसमें डाल लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं देखने में कितना कलरफुल लग रहा है ये सब्जी, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें बहुत ही सिंपल मसालों का यूज़ किया है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मसालों के साथ हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी यहाँ पे तैयार की हुई है। तो हम यहाँ पे सूखी सब्जी बना रहे हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप चाहें तो इसे ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है, तो इसे हम ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, जिससे कि जो गोभी और मटर है उसमें मसालों का बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो और ये आप एक ये भी ध्यान रखें कि जो गोभी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जानी चाहिए। तो इसे अब हम ढक करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो बीच बीच में इसे एक दो बार चलाते हुए अच्छी तरह से इसे पका लेते हैं। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हमारे जो गोभी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। तो गोभी जब पक जाए तो ये सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा सब्जी जो है बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सा बन करके तैयार हुआ है। देख ही सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो इसमें गर्मा गर्म धनिया के पत्ते डालें, मिक्स करें और फिर इसे सर्व कर लें। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब्जी जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये गोभी और मटर से बनने वाली बहुत ही डिलीशियस सी सब्जी की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।